ओके जी, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की हम रीडिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये एक बात आपको बताता चलो, क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ना कि क्वेश्चन नंबर 2 है। वहाँ पे टाइपो मिस्टेक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा बेसिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2003, 4,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन टू प्रोसेस ए एट द कॉस्ट ऑफ ₹23,200। एट द एंड ऑफ द मंथ 3,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। 720 यूनिट्स वर स्टिल इन प्रोसेस एंड 280 यूनिट्स वर स्क्रैप्ड। अ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 5% वॉज एक्सपेक्टेड। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द इनकम्प्लीट यूनिट्स हैव रीच्ड अ स्टेज इन प्रोडक्शन एज फॉलोस। मटेरियल 75%, लेबर एंड ओवरहेड्स 50%। द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड वर मटेरियल्स, वेजेस एंड ओवरहेड्स। यूनिट स्क्रैप्ड रियलाइज्ड एट ₹2 पर यूनिट। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन एंड प्रोसेस ए अकाउंट। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस क्या है जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं? एक तो ये कि यहाँ पर इन कंप्लीट यूनिट्स दिए गए हैं, यानी वर्क इन प्रोसेस की हम बात करेंगे, इनकम्प्लीट यूनिट्स। और दूसरा जो है, हमें अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को देखना है कि वो हम कैसे बनाते हैं और ये बेसिकली क्या होता है, किस चीज को डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, तो स्टेप्स हमारे वही हैं जो हम पहले एज यूजुअल रूटीन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ले रहे होते हैं। लेकिन स्टेप वन, आउटपुट लॉसेस एंड वर्क इन प्रोसेस। तो लेट्स सी, इनपुट जो है हमारे पास 4,000 यूनिट्स है। नॉर्मल लॉस जो एक्सपेक्टेड था वो ये देखें, नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड 5%, राइट। 5% अगर हम इसका लेते हैं तो ये आ जाता है 200, एंड रिमेनिंग 3,800 इट इज एक्सपेक्टेड आर नॉर्मल आउटपुट, एक्सपेक्टेड आर नॉर्मल आउटपुट। अगेन अब उन्होंने हमें कहा है कि 720 यूनिट्स जो है वो स्टिल इन प्रोसेस है। इसका मतलब है इस एक्सपेक्टेड आउटपुट में से जो यूनिट्स इन प्रोसेस है वो भी अगर हम साइड पे कर लें, ठीक है, मींस ये हम देखें माइनस कर देते हैं, इस वजह से कि हमें ये पता चले कि एक्चुअल आउटपुट हमारे क्या होगी इन फिनिश्ड यानी वे। तो ये जब हम माइनस करते हैं तो हमारा रिमेनिंग आंसर आ जाता है 3,080। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 3,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, मीन्स जो एक्चुअल हमारी आउटपुट हुई जो जो प्रोसेस बी को शिफ्ट हुई वो कितना है, 3,000 यूनिट्स। इट मीन्स जो 80 यूनिट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इस चीज का अंदाजा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा है कि जो स्क्रैप है, क्वेश्चन में आप देखें 280 यूनिट्स, 280 यूनिट्स है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जो नॉर्मल वेस्टेज थी वो 5% एक्सपेक्ट की गई थी, तो 5% क्या थी, 200 यूनिट्स। तो स्क्रैप हुआ 280 यूनिट्स, यानी मोर देन एक्सपेक्टेशन हुआ। इट मीन्स कि जो 80 यूनिट्स हैं वो क्या हो गए, ये नॉर्मल लॉस के, और 80 यूनिट्स हो गए एबनॉर्मल लॉस। तो इस चीज को आप इस वे से भी देख सकते हैं, अगर आप इस तरह से कंसीडर करें और अगर इस तरह से कैलकुलेशन में देखें तो आप इस वे में भी देख सकते हैं इसको। इन बोथ सेंस आपको थोड़ा सा इसमें देखो टेक्निकल पॉइंट था जो देखना था कि हमने किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है।
ठीक है, तो इसमें ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं, कंप्यूटेशंस होती हैं, जो आपने देखना होता है कि हमने उसको किस तरीके से अकाउंट फॉर करना है। ठीक है जी, स्टेप वन वाज आउटपुट लॉसेस एंड वर्क इन प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है रिक्वायरमेंट वन भी है और स्टेप टू भी है, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये नॉर्मली हमने पहले नहीं पढ़ा और उसकी रीजन यही थी कि हमारे क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो अब आज जो हमने क्वेश्चन किया उसमें यही एडिशन किया कि अगर हमारे पास ओपनिंग या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो तो फिर ईपीयू का जो मैकेनिक्स है वो क्या है। ठीक है, तो आज हमने इसमें सिर्फ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को देखा। आने वाले क्वेश्चंस में फिर हम देखेंगे कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी अगर साथ आ जाए तो फिर हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एनी ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका फॉर्मेट पहले से मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में भी दे दिया है, मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बना लेता हूँ इन डिटेल। तो ये है, आप हेडिंग डाल दें यहाँ पे इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लें पार्टिकुलर्स और यहाँ पे लिख लें आउटपुट यूनिट्स बेसिकली, और यहाँ पे फिर आप लिख लें ये हेडिंग डाल के ईपीयू के जो यूनिट्स हैं जिसमें हमारे पास मटेरियल, मटेरियल के साथ परसेंटेज कंप्लीटेड एंड यूनिट्स, ये दो कॉलम बेसिकली बन रहे हैं। और उसके बाद लेबर, सेम परसेंटेज कंप्लीटेड एंड यूनिट्स, देन ओवरहेड्स, जनरली ये तीन चीजें होती हैं, परसेंटेज कंप्लीटेड एंड यूनिट्स। समटाइम्स ऐसे होता है कि लेबर एंड ओवरहेड्स की अगर परसेंटेज एक जैसी हो तो हम उनको लेबर एंड ओवरहेड लिख के एक ही कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है लेकिन मैंने फिर भी सेपरेटली लिखा ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाए। ओके जी, अच्छा अब इसमें हम पहले तो ये बात कर लें कि इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है। स्लाइडली सर को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये बेसिकली ये है कि जो हमारे वर्क इन प्रोसेस बेसिकली यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर भी हमारे पास गिवेन है जो कि 75% मटेरियल वाइज कम्प्लीट है और लेबर एंड ओवरहेड वाइज 50%। तो ये हम कहते हैं जी ये कितने कंप्लीट यूनिट्स के बराबर है। ठीक है, ये ओवरऑल तो अगर आप देखें तो ये 720 यूनिट्स इन प्रोसेस है, 720 यूनिट्स इन प्रोसेस है, लेकिन ये क्योंकि 100% कंप्लीट होते तो फिर तो ये फिनिश्ड गुड्स की तरह आ जाते हैं, आउटपुट में बन जाते हैं। बट ये हम कहते हैं जो 720 यूनिट्स है कितने कंप्लीट यूनिट्स के इक्वल है, ठीक है, उनकी प्रोपोर्शन के साथ। तो इसलिए हम इसे कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली लिंक्ड है वर्क इन प्रोसेस के साथ। ओके, अब हम इसमें डाटा इनपुट करते हैं। हमारे पास अगर आप देखें तो 4000 यूनिट्स हमने इनपुट किए मटेरियल के, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स, ठीक है, 4000। उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड कितने हुए, इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं स्टेप वन में से, यानी एक्चुअल आउटपुट इंट्रोड्यूस्ड हुए ना इसी प्रोसेस में और कंप्लीट उसमें से कितना हुआ 3000, इसलिए हमने यहाँ लिखा इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड, ये हुए जी 3000 यूनिट्स। अच्छा, अब यहाँ पे इसको साथ साथ हम लिखते जाएंगे, 3000 यूनिट्स कंप्लीट हुए, यानी ये मैंने आउटपुट में भी लिख दिया इसको। ओके, अब इसके ऊपर यानी 100% जब कंप्लीट है तो मटेरियल कितना लगा हुआ है 100%, तो अब इसके मल्टीप्लिकेशन इसी आउटपुट से करते जाए तो यहाँ पे भी कितना यूनिट्स आ जाएंगे 3000।
लेबर भी 100% क्योंकि इन ऑल रेस्पेक्ट कंप्लीट है, तो ये भी 3000 यूनिट्स। ओवरहेड्स 100%, ये भी 3000 यूनिट्स। उसके बाद है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस या यूनिट्स इन प्रोसेस कह रहे हैं। अब वो है 720 यूनिट्स बेसिकली, और जो वर्क इन प्रोसेस है। अब उसमें मटेरियल लेबर की परसेंटेज क्या है, मटेरियल 75, लेबर एंड ओवरहेड 50%। मटेरियल इसके 75% लगा हुआ है लेकिन लेबर एंड ओवरहेड 50%। ठीक है, तो आप क्या करें इस 720 का ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लें और अपने अपने जो कास्ट एलिमेंट्स हैं उनमें इनपुट कर लें। जी जब हम 75% लेते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास 540 यूनिट्स, और ये बन जाते हैं हमारे पास 360 यूनिट्स 50% जब हम देखते हैं। राइट, तो ये एक वे आउट था कि हम किस तरीके से इनको यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस के अगर आप क्वेश्चन में देखें तो कितने यूनिट्स है, 80 यूनिट्स है। ठीक है, ये हमने अभी जो इसको कैलकुलेशंस की 80 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आउटपुट पे तो हमने लिख लिया कि इतना भाई हमारा यूनिट्स वेस्ट हो गए 80 यूनिट्स। अब यहाँ पे एक अजम्पशन है कि सम टाइम ये जरा जहन में रखिएगा ये बात, ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी ट्री बना लेता हूँ। सम टाइम परसेंटेज गिवेन होती है, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। सम टाइम परसेंटेज गिवेन होती है, जैसे वर्क इन प्रोसेस की थी कि कितना परसेंट कंप्लीट है, तो फिर आपने क्या करना है, सेम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का ही तरह वर्कआउट करना है कि जितना परसेंट मटेरियल लगा हुआ था, जितना परसेंट लेबर लगी हुई थी, जितना परसेंट ओवरहेड लगी हुई थी। सम टाइम परसेंटेज नॉट गिवन, परसेंटेज नॉट गिवन। जब परसेंटेज गिवन नहीं हो तो हम एज्यूम करते हैं कि ये हर चीज मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड 100% यहाँ पे लगी हुई है, और ये अजम्पशन होती है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोसेस अगर लाइन है तो हम जब आउटपुट की बात करते हैं तो ये आउटपुट होती है। ठीक है, इस पॉइंट इन टाइम पे तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भी हमारे इतने 3000 कंप्लीट हो गए और 720 इन प्रोसेस है और 80 जो है वो लॉस हो गए, तो इसका मतलब है एंड ऑफ द प्रोसेस है और हर चीज फिर क्या हो गई 100% यहाँ पे यूज हुई हुई है। तो इसलिए अब इस क्वेश्चन में भी एक यानी यही बात करेंगे कि इनके ऊपर जो 80 यूनिट्स हैं मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स ये क्या है 100% यूज हुई हुई है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को जरा आप अपने पास क्लियर रखिएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आप इसको अपने पास ऑब्जॉर्व करें कि प्रोसेस है क्या। 100% मटेरियल एज्यूम हमने किया क्योंकि ये एज्यूम किया कि एंड ऑफ द प्रोसेस ये सारे रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे क्या आ जाएंगे 80 यूनिट्स, यहाँ पे भी 80 यूनिट्स और यहाँ पे भी 80 यूनिट्स, दैट्स इट। उसके बाद नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस के जो हमारा यूनिट्स है वो कितने हैं, 200 है, तो इसका कहीं पे कोई काम नहीं है नॉर्मल लॉस अगर इन प्रोसेस हो तो। अगर नॉर्मल लॉस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हो तो अगेन वही बात कि पूरा प्रोसेस क्योंकि कंप्लीट हो चुका हुआ है, अब इसके ऊपर मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स लगे हुए होंगे परसेंटेज के हिसाब से, तो फिर हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और नॉर्मल सम टाइम जो है परसेंटेज नहीं गिवन होगी तो हम 100% इसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जो नॉर्मल लॉस है ड्यूरिंग द प्रोसेस उसकी जो क्योंकि एक्सपेक्टेड थी ये बात, तो वो यही है कि फिर हम इसको जो गुड यूनिट्स होते हैं उसके ऊपर इनकी कास्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओके, अब हम इनको टोटल करते हैं, ये इनपुट में कितना यूनिट्स है 4000 यूनिट्स, और इस आउटपुट को भी टोटल करें तो ये भी 4000 यूनिट्स। ठीक है, ये वाला। अब जो हमने आगे काम करना है वो है हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो ये मटेरियल के कितने यूनिट्स हैं, लेबर के हमारे पास कितने यूनिट्स हैं और ओवरहेड्स के कितने यूनिट्स हैं। राइट, तो मटेरियल के यूनिट्स जब हम काउंट करते हैं
ये हमारे पास आ जाते हैं 3620 यूनिट्स। जब हम इनको काउंट करते हैं तो ये आ जाते हैं 3440 यूनिट्स। इस तरह से ये हमारा जो स्टेप टू है वो कंप्लीट हो गया और हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन की जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर। ये एक एडिशनल जो है वर्कआउट था जो आज के लेक्चर में शामिल था, ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अब हम चलते हैं स्टेप थ्री एंड स्टेप फोर में। नेट प्रोसेस कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट बाय कॉस्ट एलिमेंट। जी इसमें आपने देखा है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यूज हुए हैं वो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स हैं। तो अब देखें मटेरियल कॉस्ट, लेबर यानी वेजेस जो उन्होंने लिखा हुआ है एंड ओवरहेड्स, तीन तरह के हमारे पास कॉस्ट मौजूद है। ओके जी, अब मटेरियल कॉस्ट अगर आप देखें क्वेश्चन के स्टार्ट में तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 4000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इनटू प्रोसेस ए एट ए कॉस्ट ऑफ 23,200। एक तो ये है और दूसरा उन्होंने कहा कि एडिशनल कॉस्ट चार्ज हुई है कुछ और यहाँ पे सॉरी ये एडिशनल कॉस्ट वर इनकर्ड, तो वो है मटेरियल 6160। तो ये दोनों हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी मटेरियल की कॉस्ट 23,200, ठीक है, और एडिशनल जो मटेरियल कास्ट हमें यहाँ पे यूज हुई है वो 6160। तो ये टोटल मटेरियल कास्ट हमारे इसमें यूज हुई। और अगर हम लेबर कास्ट को देखें तो वो कितना है जी हमारे पास 13760 और ये एफर्ट 6880। अच्छा ये भी लिखे कि ये तमाम डाटा क्या है रुपीस में है। ओके टोटल मटेरियल कॉस्ट अगर हम करें तो ये हमारे पास कितना बन जाती है 0639 and 2 और इधर से ये हमारे पास 13760 और ये अगेन 6880। ओके अब हमने यहाँ से माइनस करना होता है एज यूजुअल स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, किसकी नॉर्मल लॉस की जो कैलकुलेशन में लेके आते हैं। तो स्क्रैप के जो यूनिट्स हैं वो कितना है 200 यूनिट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 2 पर यूनिट। ये स्क्रैप है, ये क्वेश्चन में आपको रिव्यू करा लूँ। ये देखें स्क्रैप की जो वैल्यू है वो कितना है 2 पर यूनिट, तो मीन्स यहाँ से हमें 400 जो है वो माइनस करना है ताकि नेट प्रोसेस कास्ट हमारे पास आए। नेट प्रोसेस कास्ट तो ये जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 28,960 और ये 13760 6880। नाउ डिवाइड देम विद इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा अब थोड़ा सा आप रिकॉल करें तो हम एक वन लाइन फार्मूला यूज करते थे जिसमें हम लिखते थे जी टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स। देखें वो यहाँ पे अभी वर्कआउट नहीं कर रहा क्योंकि जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं वो तमाम एलिमेंट्स के डिफरेंट है। अब मटेरियल के देखें तो ये हैं 3620 यूनिट्स, इनके हैं 3440 यूनिट्स, 3440 यूनिट्स। ये तमाम कहाँ से हमने लिए हैं ईपीयू की जो स्टेटमेंट हमने बनाई है वहां से लिए, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये
ये हमने ले लिया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट, ठीक, डिवाइड कर लेते हैं। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा ₹8, ₹4 एंड दिस इज ₹2। और अगर इसको एवरेज कर लें यानी टोटल कॉस्ट कर लें, 8, 4, 12 और 2, 14, ₹14, ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट बन जाएगी। तो ये इस तरह से आपके पास नेट प्रोसेस कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट बाय कॉस्ट एलिमेंट। स्टेप 5, स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन, इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में करना चाहे तब भी कर सकते हैं, अदरवाइज स्मार्ट वे भी है जैसे हम पहले कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, ठीक है जी। अब यूनिट्स कंप्लीटेड जो है हमारे पास वो है कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड भी लिख लें, completed and transferred to process B, 3000 units at the rate ₹14, ठीक है। अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करने आपकी मर्जी है, अदरवाइज इन्हीं 3000 यूनिट्स को इस तरह से लिखे मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स, और 3000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें मटेरियल से लेबर से एंड ओवरहेड से, ठीक है। तो ये 3000 यूनिट्स ये दोनों वे इंडिविजुअल करें बाय एलिमेंट या इकट्ठे ही मल्टीप्लाई कर दें तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये और है इनमें, तो आपका आंसर ये बन जाएगा 42000 इन आइदर वे, जो भी आप वे यूज आउट कर लें, ठीक है। तो ये है कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। उसके बाद कास्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे आप ज़हन में रखिए, क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास पहले से कोई और डिपार्टमेंट नहीं है, कोई और प्रोसेस नहीं है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, प्रोसेस ए। तो प्रोसेस ए में जो है सिर्फ प्रोसेस ए का ही हम मटेरियल जो इन प्रोसेस है वो लिखेंगे, जो लेबर इन प्रोसेस है वो लिखेंगे, और जो ओवरहेड्स इन प्रोसेस है वो लिखेंगे। और ये यूनिट्स कहाँ से आएंगे, ईपीयू वाले यूनिट्स, ठीक है, ईपीयू में। ये अगर मैं आपको इन डिटेल फॉर्मेट्स यानी कॉलम बना के लिखता तो ये जो मैंने यूनिट्स लिखे हैं तो ये यूनिट्स मैं वहाँ पे यही लिखता कि जो ईपीयू के यूनिट्स है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट्स में बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे मटेरियल के जो यूनिट्स हैं ईपीयू में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के, आप देखें कितना है, मटेरियल के यूनिट्स 540 और लेबर एंड ओवरहेड्स के 360 दोनों के। तो ये है जी हमारे पास 540 यूनिट्स और ये है 360 यूनिट्स, लेकिन मल्टीप्लाइड में इनके इंडिविजुअल जो लेवल पे अपनी अपनी पर यूनिट कॉस्ट है उससे करना है मल्टीप्लाई। मटेरियल 8, लेबर 4 और ये 2, 8, 4 और 2, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएंगे ये है 4320, ये है 1440 और ये है 720, और ओवरऑल कास्ट जो है ये बन जाती है 6480, ठीक है। तो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कास्ट होगी। उसके बाद कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स आपको पता है 80 यूनिट्स हैं, ठीक है, और हमने इनको यही एज्यूम किया है कि ये 100% इन पे हर चीज चार्ज हुई हुई थी। इसके साथ भी हम वही स्लोक कर सकते हैं ₹14, यानी जो पूरी पूरी कास्ट लगी हुई थी, अदरवाइज हम इनके ऊपर भी यही काम कर सकते हैं।
मटेरियल लेबर ओवरहेड्स इनके यूनिट्स 80 80 80 और मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल 8 लेबर 4 और ओवरहेड 2 जैसे हमने वर्क इन प्रोसेस के साथ किया। ठीक है, तो वैसे करना चाहे भी मर्जी है, और अगर अगर यूनिट्स लेना चाहे ईपीयू से देख के तो ये आपको अगेन इसके भी 80 ही नजर आएंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हमने यूनिट्स ईपीयू से लेना है। ओके, जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं इसे तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है 1 1 8 2 0। दैट्स इट, तो ये हमारे पास तैयार हो गया जी स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन। लास्ट स्टेप, स्टेप 6 इसको कह लें, प्रोसेस ए अकाउंट। जी इनपुट साइड पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले इनपुट इंट्रोड्यूस्ड या मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड कह लें आप इसको, ये था 4000 यूनिट्स और इसकी कॉस्ट बताई हुई थी 23,200। उसके बाद एडिशनल मटेरियल कॉस्ट थी 6160, वेजेस यानी लेबर कास्ट एंड ओवरहेड्स कास्ट, ये हमारे पास 13,760 और ये है 6880, ये हमारी इनपुट कास्ट। हम आउटपुट की तरफ चलते हैं तो यहां लिखेंगे कास्ट ऑफ यूनिट्स completed and transferred, तो ये recall करें तो 3000 units और इनकी जो हमारे पास cost है ये हम statement of evaluation से ले लेंगे 42,000। okay, उसके बाद cost of क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूं, ये 3000 यूनिट्स और ये जो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये यूनिट्स जो है वो 720 है जो वर्क इन प्रोसेस में है और उनकी जो कॉस्ट है वो है 6480। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 80 यूनिट्स और उनकी कॉस्ट है 1120। उसके बाद नॉर्मल लॉस 200 यूनिट्स और उनकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितना है 400। तो इन दिस वे ये हमारे पास हो गए 4000 यूनिट्स और ये इनकी हो गई टोटल कास्ट और ये हमारे पास यूनिट्स बन जाएंगे 4000। ये भी रिकनसाइल हो गए आपस में कि जितने इनपुट थे उतना ही आउटपुट है कि ये कहाँ कहाँ गए, कहाँ है इनपुट और ये इनके हमारे पास टोटल कास्ट बन जाएगी। सम अप करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है ₹50,000। इसको भी रुपीस लिख लें और ये भी हमारे पास ₹50,000। तो दैट्स इट, ये था हमारे पास रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन और हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसके तमाम स्टेप्स देखे, होपफुली ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप फर्दर पूछ सकते हैं, होपफुली आपको क्लियर हो गया। दैट्स इट, ये था कल का लेक्चर।